স্টিল স্টিল আরে স্টিল হটো অরবিন্দ অক্ষয় जी की फैमिली से अभी हम लोग मिले थे और बहुत जाहिर सी बात है पूरा परिवार बहुत सदमे में है इस वक्त. जवान बेटा उन्होंने खोया है, माँ बाप माता जी पिताजी की हालत बहुत खराब है अभी नहीं है सर, और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है. अक्षय के बाद में उनके परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है. तो हमने मूल रूप से तो यही है कि इस पूरे दुख की घड़ी में सब साथ हैं. साथ साथ उनको हमने कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि जो भी फाइनेंशियल हेल्प हमसे हो सकेगी हम करेंगे. अगर नौकरी की बात आएगी तो उनसे कहा है हमने एक बार आप परिवार के इससे देख लीजिए, थोड़े समय बाद सरकार उनको नौकरी देगी. दिल्ली सरकार ने हमने दिल्ली मुआवजा भी दिया, उस पर अभी बात नहीं हुई उनसे. नौकरी मतलब आपने कहा फाइनेंशियल हेल्प, हमने हमने उनसे हमने उनसे ऑफर किया है कि सरकार की ओर से अगर उनको जरूरत है तो हम पूरी सहायता करेंगे और उसमें जरूरत पड़ी तो उनको नौकरी भी देंगे. तो वो तैयार उनसे उनको जरूरत भी है इस वक्त. किसको नौकरी देंगे? उनकी बहन को, उनकी बहन को नौकरी. मनीष जी, वो एडवो वो लॉ कर चुकी हैं. तो मनीष जी, अक्षय सिंह के विसरा को एम्स ने लौटा दिया और कहा जा रहा है कि एम्स ये कहकर लौटा रहा है. देखिए, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि पहले दिन से कि इसमें इंडिपेंडेंट जांच की बहुत जरूरत है. अक्षय सिंह की डेथ जिन परिस्थितियों में हुई उन सबकी जांच अगर मध्य प्रदेश पुलिस करेगी या सेंट्रल की कोई पुलिस फोर्स करेगी तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है. इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत है. ये पूरा का पूरा व्यापम मामला जो है, अब इसके लिए भी अलग से एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जितना जल्दी बन सके और जितना जल्दी उस पर सारी चीजें शुरू हो सकें, दोनों चीजों की जरूरत है. उसके लिए दबाव डाला गया था सीबीआई के लिए. कल शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीबीआई जांच की वो सिफारिश करेंगे. लेकिन इतनी देर क्यों हो गई फिर? सर, आवाज़ छोटी है क्या? क्या बोले? सरकारी नौकरी जो भी सबसे बड़ी चुनौती है.